रिजल्ट के लिए मैं यहाँ पे स्पून की मदद से आपको इस पैक को हटा करके दिखा रही हूँ। देख सकते हो आपकी आपकी जो स्किन है ना, ये देखिए आप कितनी ग्लो कर रही है, मतलब ग्लो आपको दिख रहा होगा, पिंकिश ग्लो। और जितने भी फेस के दाग धब्बे होंगे वो सारे निकल जाएंगे। ये देखिए इस तरह के रिजल्ट आपके सामने होंगे, आपकी स्किन एकदम क्लीन हो जाएगी। आप सोचोगे कि भाई पता नहीं क्या कितना कर महंगा फेशियल आपने करा दिया है। ये देखिए इस तरह के रिजल्ट आपके सामने चेहरे पे होंगे। ग्लो ग्लो आप शाइन देखिए, मतलब चेहरा कितना चमक रहा है ना। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में बहुत जबरदस्त नुस्खा मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ। जब आप इसे यूज करोगे तो आप बोलोगे कि बाकी पार्लर के फेशियल से, पार्लर जो आप जाते हो इतना ज्यादा खर्च करते हो उससे आपको बिल्कुल छुटकारा मिल जाएगा। और आप बोलोगे कि वाह भाई वाह, कितनी अच्छी चीज बताई, हमारा तो इतना खर्चा बचा लिया। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। करना क्या है आपको, सारी चीजें आपको आपके किचन में मिल जाएगी और घर की घरेलू चीजों का इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं तो कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा आपको। सबसे पहले बड़ी बात तो ये है, आप जैसे मर्जी से यूज कीजिए, आपको कोई नुकसान नहीं होने वाला है। तो करना क्या है देखिए, इसके लिए मैं आपको यहाँ पे दो तरीके बताऊंगी। दोनों तरीके आपने जिस तरह से मैं बता रही हूँ उस तरह से आपने फॉलो कर लेने हैं, बस आपकी स्किन एकदम शीशे की तरह चमकेगी। ये मेरे हाथ में है बेसन, ये 1 चम्मच के करीब मैंने बेसन यहाँ पे रखा हुआ है बाउल में। यहाँ पे देखिए इसमें इसको ट्रांसफर कर लेते हैं। यहाँ पे मैं चीजों को अच्छे से मिक्स करूंगी। आपके सामने ही पैक को बनाया जाएगा, आपके सामने ही लगाया जाएगा, आपके सामने ही लाइव रिजल्ट्स भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो सबसे पहला इंग्रेडिएंट तो ये ले लिया। अब देखिए ये मैंने मसूर की दाल इसमें ले रखी है, लगभग आधी जैसी चम्मच के करीब। और इसे ना बहुत फाइन पाउडर की तरह मैंने नहीं पीसा है, जैसा कि मैं आपको दिखाऊं इस तरह से। ये थोड़ी सी दरदरी है, ठीक है, दरदरी है तो ये आपके चेहरे पे स्क्रब का भी काम करेगी। आपको एक्स्ट्रा में स्क्रब करने की जरूरत नहीं है, बस जिस तरह से मैं इंग्रेडिएंट्स को बताती जा रही हूँ इस तरह से आप ले लेना। दोनों चीजें आपको किचन में मिल जाएंगी, आपकी स्किन के लिए बहुत ज्यादा अच्छी है। ये जो मसूर की दाल होती है इसमें प्रोटीन भरपूर मात्रा में पाया जाता है, ये आपकी स्किन में कोलेजन प्रोडक्शन को भी इम्प्रूव करती है। कोलेजन एक तरह का प्रोटीन ही होता है जो कि समय के साथ साथ हमारी स्किन से खोने लगता है। बचपन में हमारी स्किन बहुत ज्यादा सॉफ्ट होती है, बहुत ही ज्यादा अच्छी होती है, कितनी सुंदर होती है ना, तो वो इसलिए होती है क्योंकि उस टाइम पे कोलेजन आपकी स्किन में भरपूर मात्रा में, आपके चेहरे पे जो स्माइल लाइंस हैं वो दिखने लगती हैं, आपके माथे पे झुर्रियां दिखना शुरू हो जाती हैं। तो उस चीज के लिए ये जो दाल है बहुत बढ़िया आपके लिए काम करेगी, आपकी स्किन को टाइट करेगी। और इसमें स्किन लाइटनिंग प्रॉपर्टीज भी होती है, ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज, मतलब कि आपकी स्किन को ये एकदम फेयर करने का काम भी करती है। साथ ही साथ जो ये बेसन है इसका भी यही काम है, आपकी स्किन को एकदम एक तो ग्लो करता है, फेयर करता है, क्लीन कर देता है, जितना भी आपके चेहरे पे मैल होगा, गंदगी होगी, उसको साफ करने का काम करता है। ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज इसमें होती है। तो ये दो चीजें मैंने ली। और इसमें देखिए थोड़ी सी मैं हल्दी भी ऐड करना चाहूंगी, हल्दी इसलिए अगर आपके पास ना हो घर की शुद्ध हल्दी, कस्तूरी हल्दी, अम्बा हल्दी, तो आप जो घर वाली जो आप खाते हो ना खाने में, वो ऐड मत करना। वो कई बारी स्किन पे रैशेस वगैरह हो जाते हैं, उसमें फूड कलर एडिड रहते हैं, हमारी स्किन के लिए वो अच्छी नहीं होती है। तो इसलिए अगर आपके पास शुद्ध ना हो तो आप रहने ही देना, स्किप कर देना। और अगर है आपके पास, जैसे ये मैंने रखी हुई है तो ये घर की ही हल्दी है, तो ये आपने 1/4 टीस्पून के जितना इसको ऐड कर लेना है। तीनों चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब देखिए एक चीज मैं आपको बताने जा रही हूँ इसमें जो आपको ऐड करनी है वो क्या है जी, ये देखिए जी, ये ग्रीन टी है। आपके पास अगर पाउच वाली हो तो आप वो भी ले सकते हो। मेरे पास ये दूसरी थी जो बिल्कुल लीव्स होती है ना, तो वो थोड़ा मैंने उसको ग्राइंड करके यहाँ पे रखा हुआ था। ये स्पेशली मैं स्किन के लिए ही इस्तेमाल कर रही हूँ, इसे मैंने अलग ही रख रखा है। अगर आपके पास ये ना हो तो जो आपके चाय पत्ती होती है ना, तो आप उसको लेना और उसको पहले यूज करने से पहले थोड़ा सा मिक्सर जार में पीस लेना, थोड़ा इस कंसिस्टेंसी में आ जाए जैसे कि आपकी ग्रीन टी है। और ये ऐड करने से ना, ये मतलब एक तो एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है, आपकी एजिंग के लिए बहुत बहुत बेस्ट चीज है। जब आप इसे यूज करोगे ना अपनी स्किन पे, आप उसी टाइम पे फील करोगे कि आपकी स्किन में कुछ ना कुछ मतलब हो रहा है। तो ये आपकी स्किन को टाइट करने का काम करती है। इसमें देखिए ये आपके चेहरे पे ब्लड फ्लो को भी इंक्रीज करती है और आपके चेहरे पे एक लालिमा लेकर के आती है। साथ ही साथ इसमें ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज है, तो ये भी आपकी स्किन को फेयर करने का भी काम करेगी।
एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है, तो ओवरऑल आपकी जो स्किन है उसकी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करेगी। तो इसके बहुत सारे बेनिफिट होते हैं अगर आप ये यूज़ करते हो। इन केस ना हो घर पे, तो आप जैसे मैंने बताया चाय पत्ती को पीस लेना अच्छी तरह से, वो इसमें ऐड कर लेना लगभग आधी जैसी चम्मच के करीब, क्योंकि चाय पत्ती जो है ना वो भी हमारी एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है और स्किन पे ब्लड फ्लो को इंक्रीज करेगी, स्क्रब का काम ये अलग से करेगी, मतलब ओवरऑल बहुत सारे इसके बेनिफिट है। तो जिसके पास ये ना हो वो चाय पत्ती को ऐड कर लेना पीस के। तो पर दोनों में से एक चीज़ ऐड जरूर करना, जैसे मैं इंग्रेडिएंट्स आपको बता रही हूँ वैसे वैसे आपने भी इसमें ये ऐड करने हैं, तभी आपको अच्छा बेनिफिट मिलेगा। कई बार आप फिर पूछ लेते हो भाई हमें रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, इसे आप इसी तरह से बना करके देखना, रिजल्ट ना मिले ना तो दोबारा आकर के चैनल पे लिखना और बताना कि भाई मैंने यूज किया लेकिन मुझे रिजल्ट नहीं मिले। और ये जो पैक है ना इसे आप एक दिन छोड़ करके हफ्ते में 3 बार यूज करके देखिएगा, आप देखोगे कि हफ्ते में ही आपकी स्किन जो है ना आपको बदलाव उसमें नजर आएंगे, जितनी भी गंदगी होगी, कालापन होगा, टैनिंग हो जाती है गर्मियों के मौसम में, जब भी आप थोड़ी इवन जो मॉर्निंग की धूप होती है ना तो उसमें भी कई लोगों को टैनिंग हो जाती है, तो उस केस के लिए भी ये बहुत लाजवाब पैक है। आप जब यूज़ करोगे तो आपको खुद पता चल जाएगा। तो अभी के लिए कंटिन्यू करते हैं। अब देखिए कई बार क्या होता है कि कुछ लोगों की स्किन जो होती है ना बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होती है, और कोई भी चीज़ जो भी नेचुरल इंग्रेडिएंट भी अगर अपने चेहरे पे इस्तेमाल करते हैं तब भी उनको ऐसे फील होता है कि भाई कुछ स्किन पे एलर्जेटिक सा, जैसे स्किन अगर खारिश होने लगती है, तो उन लोगों को क्या है कि पहले तो देखिए थोड़े थोड़े करके हैबिट डालिए अपने स्किन पे ये सब चीज़ें यूज़ करने की। एकदम से अगर आप रेगुलर यूज़ करने लग जाओगे तो भी आपको नहीं सूट होती ये चीज़ें, लेकिन कुछ लोगों की स्किन ऐसी होती है कि उनको कुछ भी लगाए लेकिन उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब कि फ़र्क इन द सेंस कि उनको कभी कोई एलर्जी नहीं होती। जैसे मेरी स्किन है, मैं रेगुलरली आपके साथ यहाँ पर शेयर भी करती हूँ और ऐसे भी अपने चेहरे पर कुछ ना कुछ लगाती रहती हूँ। मेरी क्या हैबिट है कि जब भी मैं कोई भी फ्रूट खा रही होती हूँ तो मैं वहाँ से थोड़ा सा रस उसका अपने चेहरे पर ज़रूर लगाती हूँ, और उसके मुझे इतने बेनिफिट मिलते हैं कि रिजल्ट आपके सामने है कि मेरी स्किन ना मतलब अच्छी होती जाए। ऐसा भी नहीं है कि आप एक बारी में ही आप पैक लगाया और हफ्ते में स्किन बहुत अच्छी हो जाएगी, ऐसा भी नहीं होता है, रेगुलर केयर करनी पड़ती है। अब बोलोगे कि ये तो बहुत ज़्यादा, मतलब कई लोग बोलेंगे आउच कैसी गंद भाई अजीब सी चीज़ है भैया, खा रहे हो फिर थोड़ा सा ले करके खाने के बाद थोड़ा उठा करके रख लीजिए उसको लगाइए। एग्जाम्पल के लिए मैं देखो आपको यहाँ पे भी लेकर के आई हूँ, ये मैं ऐड करने वाली हूँ लेकिन बाद में ऐड करूँगी, ये अंगूर है। जैसे अंगूर खा रही होती हूँ ना मैं, खा लिया मैंने एक, मैं लास्ट में रखूंगी उसका थोड़ा थोड़ा करके रस निकालती जाऊंगी और फेस के ऊपर लगाती चलूंगी, ये मैं उसी तरह से आपको दिखाऊंगी भी। तो ये चीजें ना हमारी स्किन को नेचुरली बहुत इफेक्ट पड़ता है यार, आप ट्राई करके देखना। जो सब्जियों के छिलके होते हैं वो भी बहुत कारगर होते हैं, आप बिलीव नहीं करोगे जितनी सब्जियों में पोषक तत्व होते हैं, जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उससे कई गुना उनके छिलकों में होते हैं। तो ये चीज़ है। बाकी अभी देखिए इसमें मैं थोड़ी सी ग्लिसरीन ऐड कर रही हूँ, इससे क्या होगा कि आपकी स्किन एक तो सॉफ्ट होती है, इसमें हीलिंग प्रॉपर्टीज भी होती है। कुछ लोगों को छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उनके जो पोर्स होते हैं ना बढ़ जाते हैं, मतलब गड्ढे गड्ढे से आपके चेहरे में दिखाई देते हैं, उन लोगों के लिए ग्लिसरीन बहुत काम की चीज़ है। ग्लिसरीन को मैंने बताया आपको कि गुलाब जल के साथ मिक्स करके 1:4 में, मतलब कि अगर आप एक चम्मच छोटा ले रहे हो ग्लिसरीन का तो 4 चम्मच आपको उसमें गुलाब जल के ऐड करके उसको डाइल्यूट करना है। ऐसे थोड़ी चिपचिपी होती है और गुलाब जल के साथ इसका बहुत लाजवाब कनेक्शन बन जाता है और बहुत अच्छी रिजल्ट देती है, तो उस तरह से आप यूज़ कीजिएगा। तो यहाँ पे ये आपकी स्किन को एक तो हील करने का काम करेगी, नेचुरली मॉइस्चराइज करने का काम करेगी, सॉफ्ट बना देगी आपकी स्किन को। तो ग्लिसरीन मैंने इसमें ऐड की, ग्लिसरीन के साथ साथ आप इसमें एक विटामिन ई का कैप्सूल भी ऐड कर सकते हो। मैं यहाँ पे ये बादाम रोगन है, बादाम ऑयल, स्वीट आलमंड ऑयल, तो ये ले रही हूँ। सेम ही चीज़ है, चाहे से आप ये कैप्सूल ले रहे हो चाहे ये ले रहे हो, तो 8-10 बूंदों के करीब मैंने इसमें ऐड कर लिया। ये भी आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करेगा और बहुत सारे इसमें गुण होते हैं चेहरे के लिए। ऑयल बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, इस चीज़ को याद रखना आप। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होंगे, बहुत सारे मिनरल्स होंगे, बहुत सारे इसमें पोषक तत्व होंगे, हर तरह के पोषक तत्व होंगे, विटामिन्स होंगे, तो ये आपकी स्किन के लिए बहुत फायदेमंद होता है। और ये जो कैप्सूल होते हैं ये जाने ही विटामिन ई जो है ना ब्यूटी विटामिन के नाम से जानी जाती है, तो आपकी स्किन को ये
बहुत इम्प्रूव कर देती है। जो भी आपकी स्किन में कुछ भी हो रहा है, जैसे चाहे से ओपन पोर्स हो रहे हैं, चाहे से आपकी स्किन पे बहुत ज़्यादा फटती रहती है या फिर रिंकल्स हो रहे हैं, सबके लिए ये काम करती है। तो ये सब चीज़ें ऐड करने के बाद देखिए, अब आपने इसमें थोड़ा सा ऐड कर लेना है गुलाब जल, लगभग आधी जैसी चम्मच के करीब। आप पूरा भी इसको मिक्स करने के लिए गुलाब जल का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे गुलाब जल भी ऐड कर रही हूँ। ये भी आपकी स्किन की पीएच लेवल को बैलेंस करता है और गर्मियों के मौसम में आपकी स्किन को हाइड्रेट करता है। साथ ही साथ यहाँ पे मैंने दूध ले रखा है, तो दूध अब मैं ऐड करती जाऊंगी थोड़ा थोड़ा। जैसे आप देख रहे हो इसके ऊपर जो पसीने आ रहे हैं, तो ये जी फ्रिज से निकाला हुआ दूध है। आप भी कोशिश करना कि फ्रिज के अंदर रखने के बाद दूध को यूज़ करना, मतलब जैसे मॉर्निंग में आता है ना, थोड़ा सा अपने स्किन के लिए फ्रिज में रख दो, जब आपको यूज़ करना है तब आप उसको यूज़ करना और वहाँ से निकाल के। तो अच्छी तरह से इस तरह से मिक्स कर लेना इस पैक को। ये देखिए इस तरह से बढ़िया एक पेस्ट बन जाना चाहिए। और अब एंड में क्या करना कि ये जो मैंने एक दो अंगूर रखे हैं, देखो एक तो मैं चेहरे पे जब इसको यूज़ करना है उससे पहले इस्तेमाल करने वाली हूँ, बता रही हूँ आपको कैसे, और एक जो है इसका रस मैं यहाँ पे ही इस तरह से निचोड़ रही हूँ। अंगूर नहीं है कोई बात नहीं, आप केला ले लेना, कोई भी फ्रूट, पपीता ले लेना, जो भी आपके घर में अवेलेबल है वो वाला फ्रूट आप यहाँ से लेना, और लगभग एक चम्मच के करीब उसकी जो रस है वो यहाँ पे आपने निकाल के इसमें डाल लेना है। क्योंकि फ्रूट्स में आपको पता है विटामिन सी भी भरपूर मात्रा में होती है, जो कि आपकी स्किन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और फ्रूट्स में बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो कि आपकी स्किन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो भी फ्रूट आपने लिया है बेस्ट है, ऐसा नहीं है कि आपने भी अब अंगूर ही लेना है, अंगूर है तो अंगूर लीजिए, आयरन भी इसमें भरपूर मात्रा में होता है। फिर ये आपका पैक हो गया जी तैयार, इसको कर लीजिए साइड। देखिए किस तरह से यूज़ करना है। मैं क्या करूँगी कि जो अंगूर मैंने लिया था इसको आप इस तरह से कट कीजिए बीच से, थोड़ा थोड़ा सा प्रेस करते रहिए ताकि इसका रस निकलता रहे। तो इससे आपको अपने चेहरे पे अच्छी तरह से इस तरह से मसाज करना है, अच्छी तरह से इसे अपने चेहरे पर लगाना है। बहुत अच्छा आपको इससे फ़ायदा मिलेगा, जितने भी अंगूर के पोषक तत्व हैं वो आपकी स्किन के पोर्स के अंदर तक जाएंगे और आपको डीपली आपकी स्किन को नरिश करेंगे। ट्रस्ट मी, कभी भी जब भी आप, मैंने बताया आपको कि फ्रूट्स खा रहे हो तो आप ये काम कर सकते हो। तो अच्छी तरह से ये काम करने के बाद फिर अब बारी आती है पैक को लगाने की, और पैक को आप दो तरह से लगा सकते हो। एक आप इसे स्क्रब की तरह भी यहीं पे लगा लोगे, स्क्रब की तरह लगाने के लिए देखिए इस तरह से आपने लेना है, अच्छी तरह से इस तरह से सर्कुलर मोशन में इससे मसाज करना है अपने चेहरे पर, तो चेहरे की जितनी भी डेड स्किन होगी वो भी निकल जाएगी। साथ ही यहाँ नोज एरिया पर, हमें चिन एरिया पर ब्लैकहेड व्हाइटहेड की प्रॉब्लम होती है, तो उसके लिए भी ये बहुत अच्छी तरह से काम करेगा, वो प्रॉब्लम भी आपको नहीं रहेगी। फिर आपने अच्छी तरह से इसे अपने चेहरे पे इस तरह से लगा लेना है, ब्रश की मदद से या फिर अपने फिंगर की मदद से, जैसे भी आप लगाना चाहें। लगाने के बाद आपने इसको सूखने देना है, जितनी भी देर इसको सूखने में लग रही है, 15, 20, 25, 30 मिनट, जितने भी नेचुरल इंग्रेडिएंट हैं भाई, आपको कोई भी नुकसान नहीं देंगे, आपको फ़ायदे ही फ़ायदे इससे देखने को मिलेंगे। तो इस तरह से आपने इसको लगा करके रख लेना है और फिर आपको ठंडे पानी से अपने चेहरे को धोना है। तो चेहरा मैंने धो लिया और चेहरे पर ग्लो देखिए आप, शाइन देखिए, मतलब चेहरा कितना चमक रहा है ना। तो जब आप हफ्ते में 3 बार इसे यूज़ करोगे तो तब रिजल्ट देखना, एंड ट्रस्ट मी आप कमेंट करने ज़रूर आना, आपको बहुत अच्छा बेनिफिट इससे मिलने वाला है। इसके बाद स्किन को मॉइस्चराइज करना बिल्कुल ना भूलें। मैं यहाँ पे ये बादाम ऑयल ले रही हूँ, तो आप इसकी जगह पे जो भी मॉइस्चराइजर आप अपनी स्किन पे लगाते हो वो आप लगा सकते हो। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, नमस्कार, बाय बाय।